नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं M3M ज्वेल की कंस्ट्रक्शन अपडेट का ये वीडियो है। आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम तो देख ही चुके हैं, और अगर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज लेके आया हूं MG रोड के ऊपर M3M के ज्वेल प्रोजेक्ट के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको दिखानी थी। साथ साथ में कई सारे सवाल थे लोगों के कि आकाश जी क्या करना चाहिए, M3M की सिचुएशन को देखते हुए हमें बने रहना चाहिए कि हमें वहां से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने नजरिए से आपको मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी मुहिम का ये वीडियो है। आप देखेंगे कि करंटली कितनी लेबर काम कर रही है। मैंने जब प्रैक्टिकल जाके वहां समझा था तो 140 से ज्यादा लेबर आज काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे। आप इस जो वीडियो को देख रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे 4K में देखो और जूम करके देखो कि कितनी कंस्ट्रक्शन पे आपको लेबर दिखाई दे रही है। 140 प्लस लेबर है, और मैनेजमेंट का कहना है कि ये 24 घंटे इस साइट के ऊपर काम होता है, और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मटेरियल्स भी कंटिन्यू आ रहे हैं। मैं यहाँ पर पहुंचा था 4:30 बजे और वीडियो शूट करके मैं यहाँ से निकला था 6 बजे की तरफ। उस दौरान 3 बड़े बड़े ट्रक्स आए थे, आप देख पाएंगे उन ट्रक से लोडिंग हो रही है, ऑफलोडिंग हो रही है सारे सामान की। तो माल भी आ रहा है डेवलपर के यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है फुल स्विंग, लेबर भी फुल स्विंग लगी हुई है। और मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा, आज के टाइम के ऊपर जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट हैं वो सारे ही प्रोजेक्ट ए कैटेगरी लोकेशंस के ऊपर आते हैं। अगर आप लोग परेशान होके या जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके यहां से यूनिट बेचना चाहते हैं तो हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों को इस लोकेशन के ऊपर बने रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर किसी भी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है डेवलपर की, कंस्ट्रक्शन स्टॉप नहीं हो रही है, या वहां पर आप देखेंगे कि इवन अगर आप जाके कंपनी में डिस्कस करेंगे कोई भी इशू है, इवन जो रिटर्न्स की बात भी जो कंपनी कह रही थी वो रिटर्न भी कंटिन्यू आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के पास में, तो मुझे तो नहीं लगता किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। पर आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि परेशान ना हो, फिर भी कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आज से पहले M3M में पैसा नहीं लगाया था, उनके अंदर किसी प्रकार का डर है या वो मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो नंबर नीचे दिया गया, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करेगी। और साथ साथ आप लोगों को एक चीज और बता दूं दोस्तों कि M3M की मैंने सारी ही साइट कवर की, ये पहला वीडियो आया M3M ज्वेल का। इसके साथ साथ मैंने आपका 113 की तीनों साइट, सेक्टर 89 की जो आपकी बात करें M3M सॉलिट्यूड और स्मार्ट बर्ड का जेम्स है वो भी पूरा कवर करा हुआ है, साथ स्मार्ट बर्ड 61 का पूरा ऑर्चिड कवर करा हुआ है, वो वीडियोस भी अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज छूटे ना। मैं कोशिश क्या करता हूं कि अपने ड्रोन से उस जगह पे जाने की कोशिश करता हूं जहां से आपको रियल व्यू दिखाई दे, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी ड्रोन शूट देती है और उसके अंदर फटाफट चीजें लिख के दे देती है कि यहां पर पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं ग्राउंड लेवल के ऊपर कि कितनी लेबर दिख रही है आपको, आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है M3M के अंदर और आप उस पर्टिकुलर यूनिट को लेके या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की अपडेटेड वीडियो आपके पास आती रहेंगी। आप जो सामने देख पा रहे हैं, मैं उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वो व्हाइट कार दिख रही है दूर से, उस कार में मैं बैठा हुआ था, मैंने कार में बैठे बैठे ये ड्रोन शूट लिया है। तो आप इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप लोग एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करना ना भूलिएगा। और बाकी मेरा यही कहना है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बढ़िया लोकेशंस की चीज बाय करी हुई है, साइट्स पे काम हो रहा है, डेवलपर आज एश्योर करता है जो उसने रेंटल्स कमिट किए थे वो दे रहा है। किसी भी इन्वेस्टर के अगर रेंटल नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आकाश गुप्ता यही आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए अपनी नजर मैं आप लोगों को दिखा सकूं जिससे कि आप ले सकें सही डिसीजन। और कोई और भी सवाल है इसके अलावा, अगर आप लोगों के पास कोई और इन्वेस्टमेंट है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी लोकेशंस के ऊपर, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इवन अभी दो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं
M3M के अलावा DLF सेक्टर 77 के अंदर आया हुआ है और MR का सेक्टर 62 के अंदर दो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट अपकमिंग हैं, तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, बाय, टेक केयर।